अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ब्राउज़र पर जाके लिखे डिजी स्किल, आपको पहला लिख आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से कोई इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें आई भी होंगी। ठीक है, तो आपने इसको एक मरतबा देख लेना अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है साइन इन और साइन अप आ रहा है। ठीक है, अगर आप जो है वो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने साइन अप पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसको फिल कर लें और सबमिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का ईमेल आएगा, पासवर्ड वहाँ पे डाल लें, आप सबमिट करवा दें, आराम से सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से जाएगा। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी साइन इन है तो मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा तो मैं देखो ऊपर जाके टैब ओपन हो गया, नया टैब। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी जी मेल आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक कर लूँगा। जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो मैं, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंटरफेस समझा देता हूँ। ये बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की प्रोफाइल बनी हुई आ रही है। ठीक है, माय प्रोफाइल, यहाँ आपको साइन आउट का बटन। ठीक है, यहाँ पर आप लेफ्ट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर होम का आ रहा है। ठीक है, यहाँ आपकी माई प्रोफाइल आ रही है, यहाँ पर आपका प्रोग्रेस टाइमलाइन आ रहा है, यहाँ पर आप जो नोट्स रखना चाहे वो आ रहे हैं, और यहाँ पर ऑनलाइन सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखें आपको यहाँ पे पूरा ओपन करती है। ठीक है, देख सकते हैं आप, जो मैंने प्रीवियस कोर्सेज किए हुए तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, बैच 3, बैच 5, बैच 7, बैच 10। ये बैच और मेरा लास्ट बैच था वो ये था, इसमें मैंने ये दो कोर्सेज लिए थे। ठीक है, यहाँ पर मुझे अनाउंसमेंट दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैच 3 इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड के हवाले से। और यहाँ पर आप लोगों ने जो लास्ट कोर्स किया होगा उसके यहाँ पर माई रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक, अभी जो है कोर्सेज कंप्लीट कर लिया लेकिन सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है। ठीक है, वो बात नहीं मिलेगा। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है एनरोल नाउ TSTP 2.0 बैच 3। ठीक है, तो पहले इन लोगों के बैच थे बैच 10, बैच 7, बैच 5, बैच 5, तो इन लोगों ने आपको उसको चेंज करके TSTP शुरू में लिख दिया 2.0 और बैच 3 कर दिया उसको। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा लास्ट बैच 2 था। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं टोटल कम अवेज 15 कोर्सेज हैं जो मेरे यहाँ स्क्रीन पे शो हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कोर्सेज का नाम लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब याद रहे कि आपने जो, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है फ्रीलांसिंग बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को सिलेक्ट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जो भी फर्स्ट टाइम इसको एनरोल कर लेगा उसने फ्रीलांसिंग भी लेनी होगी, और इसके अलावा आपके पास सेकंड ऑप्शन होगा, आप फ्रीलांसिंग के बाद कोई भी इनमें से एक कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को कंफर्म कर दूं दोबारा कि फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है वो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट मिलेगा, उसके अलावा आप उसे भी एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल दो कोर्सेस आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी इनरोल कर चुका हूँ, तो मेरे पास 15 में से आप दो ऑप्शन है जो मैं कोर्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आप इसमें लिमिटेड सीट होती हैं तो एक महीने का टाइम होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप एक हफ्ते के अंदर इसको सेलेक्ट कर लें। और फिर यह कि एडिशनल सीट भी मिलती हैं, इसके अनाउंस करें नहीं करें, तो जो आपको कोर्सेज अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्फ आप ले लें। ठीक है, तो मुझे जो कोर्सेज लेने वो मैंने लिख के रखे हुए हैं, मैंने सेलेक्ट किए थे, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग और वर्डप्रेस लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मुझे सेलेक्ट करना है एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि देखें यहाँ ऑप्शन आ रहा है कोर्सेज शटल, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये सेलेक्टेड हो गया मेरा। अगर आप चाहें इसके इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो देखें, अगर मैं क्लिक करता हूँ व्यू डिटेल्स पे, देखिए उसने जो है इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खोल दिया है। ठीक है, 12 वीक का कोर्स है, ड्यूरेशन है इसका 24 आवर है। ठीक है, स्टार्ट डेट इसकी ये है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटल इनरोलमेंट इतनी है इसके अंदर। ठीक है, इंस्ट्रक्टर के बारे में लिखा हुआ है और इसके अंदर आपको क्या सीखने को मिल सकता है सारे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं वापस चलता हूँ, मुझे लेना है एफिलिएटेड मार्केटिंग और दूसरा मुझे लेना था वर्डप्रेस। ठीक है, तो मैं पहला और आखिरी है मैंने सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं आप लोग वर्डप्रेस और एफिलिएटेड मार्केटिंग। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, सेफ पे क्लिक कर देना है। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक कोर्स पे क्लिक करता हूँ, लेट सपोज फ्रीलांसिंग पे, देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सॉरी यू कैन नॉट एनरोल मोर देन 2 कोर्सेज इन अ बैच। ठीक है, तो आप नहीं कर सकते ये। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो मैं सेफ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने सेफ पे देखा ऊपर लिखा हुआ आ रहा है आई यू शो वॉन्ट टू सेव एनरोलमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ ओके पे क्लिक कर दूँगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर एक मरतबा कर लिया तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें लिखा हुआ है इनरोलमेंट सेफ सक्सेसफुली। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरी सेव हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ होम पे आऊँगा तो यहाँ पर देखें, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है डेट ट्रेनिंग दर कोर्सेज एक्टिविटी ऑफ DSTP
2.0 बैच 2 आर कम्प्लीट। ठीक है, तो बैच 2 का जो है वो कोर्सेज हो चुके हैं, अब चलते हैं बैच 3 पे। देखें बैच 3 के कोर्सेज स्टार्ट और 1 नवंबर से होंगे। ठीक है, ये मुझे हाईलाइट इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने कोर्सेज सेलेक्ट कर लिया और मेरे जो कोर्सेज स्टार्ट होंगे वो 1 नवंबर से होंगे। ये तो अभी मेरे पास कुछ इंटरफेस नहीं आएगा, आप लोग कोर्सेज में एनरोल हो चुके हैं। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ इस पर तो आप देख सकते हैं कि मेरे ये दो कोर्सेज सेलेक्ट हुए हैं, तो ये यहाँ पे हाईलाइटेड हुए हैं, तो इसका मतलब ये आप कोर्सेज में सेलेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कोर्सेज रिकमेंडेशन। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बाय डिफॉल्ट ऐसी आपकी प्रोफाइल लेके आपको गाइड कर देगा कि आपको कौन से कोर्सेज लेने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने तुक्के लगाए हुए हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं। आपने इसको किस तरीके से करना होता है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो मैं आप लोग अपनी लास्ट एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे सब कुछ ऐड हो चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि टोटल जो है वो 12 वीक होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और 4 एक्सरसाइजें आती हैं। ठीक है, और इसके अंदर कम से कम 4 जो है वो आपके 4 से 5 आते हैं कोर्सेज। ठीक है, वो आपने करने होते हैं। 50% जो है इसका वो क्राइटेरिया होता है। अगर मैं टैलेंट पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं ये मेरे कोर्सेज का नाम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल आपने 50 लेना होता है, 50 पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, यानी 50% आपने वीडियो वॉच करनी होती है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो असाइनमेंट वगैरह आते हैं, क्विजेस वगैरह आते हैं। ठीक है, कोई मसला वाली बात नहीं, क्विजेस आसान होते हैं, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर असाइनमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पर आके सर्च करें, आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगी, आप असाइनमेंट बना सकते हैं। कि असाइनमेंट की भी कोई टेंशन नहीं है, इसके अलावा मैं भी अपने चैनल पर जो है वो असाइनमेंट बना रहा होता हूँ। ठीक है, तो असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा, क्विजेस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, कोई परेशान वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर आप असाइनमेंट लेट्स सपोज के आज आपको असाइनमेंट मिला और एक हफ्ते का टाइम होता है, आपने नहीं सबमिट करवाया, तो कोई मसला वाली बात नहीं है। 12 वीक से पहले जो आप लोग को एक हफ्ते का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आप जितने भी पेंडिंग क्विज हैं एक्सरसाइज हैं वो सारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात, अगर आप एक्सरसाइज और क्विज बिल्कुल भी नहीं करते तो कोई मसले वाली बात नहीं, आपको फिर भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन इनका जो मेन क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपने बस वीडियो देखनी है, वीडियो जो है 50% वॉच होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, वीडियो जो है वो 3 मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है, 10 मिनट की भी होती है। ठीक है, तो मिनिमम जो है आपने एक वीडियो पे 30 सेकंड देना होता है। जैसे आप 30 सेकंड देंगे तो आप लोगों को एक ग्रीन कलर का टिक बना हुआ आ जाता है। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा आप लोगों को काम करना होता है। अगर आप वीडियो नहीं देख सकते, कोई मसला, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आप चाह रहे हैं मेरे पास बस वीडियो मौजूद हो जाए, मैं आराम से जो है वो 6 महीने में देख लूँगा, तो आपने क्या करना है, वीडियोज़ में जाना है। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरा लास्ट कोर्सेस था, ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर वीडियो बनी हुई आ गई, ये वीडियो खुली हुई आ गई। ठीक है, अब मैं हर टैब के ऊपर जाऊँगा, उसे जाऊँगा यहाँ पर ओपन कर लूँगा। ठीक है, हर टैब मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे वीडियो 2 क्लिक कर दूँगा मैं, यहाँ हो गया वीडियो 1, यहाँ हो गया वीडियो 2। इसी तरीके सारे टैब ओपन कर लूँगा, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, और सबको प्ले कर दूँगा और छोड़ दूँगा मैं। ठीक है, तो 30 सेकंड इसके पूरे हो जाएंगे, और 30 सेकंड इसके पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो है इस जगह पर टिक बना हुआ आ रहा होता है, तो अभी वो आएगा नहीं कि आपकी इनमेंट ओपन नहीं हुई है। यहाँ पर टिक बना हुआ आएगा, आप सारे यहाँ पे 50% जो क्राइटेरिया वो आपका आराम से पूरा हो जाएगा। मैंने भी लास्ट बैच में यही किया कि कुछ कोर्सेस में मैं देख नहीं पाया था, तो मैंने यही किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पूरा ऑल डिजिटल स्किल का कोर्स आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी मैंने आप लोगों की वीडियो जो है वो कोर्सेज से लेके सिलेक्शन से लेके आप सर्टिफिकेट किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, सब तो कुछ मैंने गाइड कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है करने लाइक करें, कमेंट करें, तो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।